सब कुछ जानने के बाद हम जो बैठे नहीं रह सकते, हमें कुछ करना होगा। कुछ नहीं कर सकते गौतम, कुछ नहीं कर सकते। ये सच कह रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो एक एक करके हम सबको मार डालेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा यहाँ से बाहर निकलने का। कोई रास्ता नहीं है, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। हम फंस गए गौतम, हम पूरी तरह से फंस गए। हम बैठ के मौत का इंतजार तो नहीं कर सकते ना। अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते तो ऐसा कोई रास्ता ढूंढना होगा जिसकी जिसकी वजह से हम बाहर की दुनिया के साथ कोई संपर्क कर सके। तुम्हें क्या लगता है हमने ये सब करने की कोशिश नहीं की? हम कब से ऑर्गेनाइजर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। एक फोन था, वो भी बंद है, कोई रास्ता नहीं है। एक मिनट, इस महल में फोन है? हाँ है, लेकिन डेड है। यही रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का। फोन अभी नहीं चल रहा तो शायद हम उसे ठीक कर सके। सब कुछ करके नहीं किया, कोई फायदा नहीं। मैं कोशिश कर रहा था ना, हार नहीं मानने वाला। मुझे फोन दिखाओ, चलो। लेकिन गौतम, करिश्मा, फोन दिखाओ, चलो चलो चलो। गौतम मेरी बात मानो, वो फोन नहीं चल रहा है, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये लो फोन, देखो फोन चल रहा है। तो एक काम करो, ऑर्गेनाइजर्स को फोन लगाओ अभी, जल्दी करो। फोन नहीं लग रहा है, हम नहीं बच पाएंगे, हम नहीं बच पाएंगे। फोन भी नहीं, करिश्मा फोन ट्राई कर रही है, फोन लग जाएगा। फोन लगा, फोन लगा। हेलो राकेश स्पीकिंग। हेलो राकेश जी, मैं करिश्मा बोल रही हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, क्या हुआ करिश्मा? अरे हम लोग कब से तुमको ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग यहाँ हैं। क्या हुआ करिश्मा? क्या चुकी होगी, बोलो ना उसे, फंस चुकी। अरे करिश्मा बोलो ना उसे, क्या कर करिश्मा, जल्दी उसे मदद करने की बोलो। सारी आत्मा यही है, अगर हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया तो ये लोग हमें मार डालेंगे। राकेश जी प्लीज हमें बचा लीजिए, इस महल में आत्मा है, प्लीज हमें बचा लीजिए, अपने बच्चे की प्लीज। राकेश जी आत्मा है? वहाँ पर कैसी आत्मा है? अच्छा ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। हाँ हाँ जल्दी आइए, प्लीज प्लीज, हम वेट कर रहे हैं, प्लीज हमें बचा लीजिए। हम ऐसे बाहर नहीं रह सकते, हमें छुपने की जगह ढूंढनी होगी। ऑर्गेनाइजर ने क्या कहा? ऑर्गेनाइजर ने कहा कि वो जल्दी पहुंच जाएंगे, शायद आज रात ही।
मैंने इस कमरे को पहले कभी नहीं देखा। ये तो वही आत्मा है। इसका मतलब हम इन्हीं के कपड़े में हैं। बस कुछ ही देर और ऑर्गेनाइजर्स हमें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। देखो बाबू, वो जरूर आएंगे। अभी अभी फोन पे बात हुई ना उनसे, वो आएंगे। गौतम, बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं हम यहाँ से बाहर कब निकलेंगे। देखो करिश्मा, देखो थोड़ा सब्र रखने की कोशिश करो। करिश्मा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मुश्किल में हो, पर देखो तुम लोग थोड़ा आराम कर लो। जैसे ही ऑर्गेनाइजर्स आएंगे मैं तुम लोगों को उठा दूंगा। कैसे आराम करेंगे तुम? चारों तरफ खतरा है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो सब जगह पूरे महल में चारों तरफ मुझे और लगना और देखो जो होना है सो होना है। हम सबको हिम्मत रखना होगी, पर मुझे यकीन है कि हम कुछ ही घंटों में यहां से निकल जाएंगे। हाथ बंद करने की कोशिश करो। मैं यही दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। गौतम, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, प्लीज। रोशनी, देखो सब यहाँ से बाहर निकल, बिलीव मी। अभी मैं थोड़ा आराम कर।
मुमकिन है सर? तो खेलो Thank you.
गौतम हमारी जान खतरे में है।